हमारी YouTube फैमिली कैसे हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, मैं सबके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जान रहे हैं, खुश और आबाद रहें, अपनी फैमिली में हंसते और मुस्कराते रहें। और जो मेरे प्यारे बहन भाई रोज़े रख रहे हैं, उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सुख सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो अभी अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ और देगचियाँ भी पड़ी हैं। इफ्तार रोज़ा तो हमने रख लिया था, जो आज रोज़े के बाद का जो काम होता है ना, वही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो मैं अभी चलती हूँ बर्तन धोने, फिर आऊँगी यहाँ से, झाड़ू भी दूँगी। आधे बर्तन लेके जा रही हूँ, आधे अभी पड़े हैं। फातिमा वो तुम लेकर आना। मैं YouTube फैमिली कैसे होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जान रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी फैमिली में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बादल काफ़ी घने घने बन चुके हैं। तो सुबह तो हल्का हल्का मी आया था, तो अभी कुछ आगे लंग गया है बादल। तो देखें इस तरह भी हमने बाहर सोए थे ना, इसलिए तो मेरे सिस्टर दोनों है ना, वो बाहर सोए थे, हम तो अंदर सोए थे ना, अंदर मच्छर था, उनको काटता था, तो इसलिए वो बिस्तर भी अभी थोड़े थोड़े गीले हैं। इसको भी धूप में सूखने रखते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, मम्मी की हेल्प करवाती हूँ। ये बर्तन भी मैं ले जाती हूँ। नलका भी हमारा ख़राब हो चुका था, तो पहले भी हमने बनवाया। अभी भी देखिए गड़गड़ कर रहा है पानी। तो अम्मी ने वो पानी नहीं, तेल तो अम्मी ने डाला था, फिर भी गड़गड़ कर रहा है। तो अभी मैंने बर्तन धो के रख दिए हैं, तो लकड़ी मैंने अंदर रखी हुई है। अभी बाहर धूप निकलेगी तो फिर निकाल के रख दूंगी, क्योंकि बारिश का तो कोई पता नहीं है ना, कभी आ जाती है, कभी रुक जाती है, कभी रिमझिम लग जाती है, तो इसीलिए लकड़ी अभी अंदर पड़ी है।
प्यारे वक्त मैं अपने कमरे में पहुंच चुकी हूं, तो मेरे काफ़ी प्यारे बहन भाई ना ये पूछ रहे थे कि आप अपना पूरा सियन दिखाएं और अपना कमरा दिखाएं और अपने पूरे घर का विजिट दिखाएं कराएं। तो आज मैंने आप लोगों को अपना पूरा सियन दिखाया, और जो आगे वाले जो दीवारें नज़र आ रही थी ना, तो वो शुएब के चाचू की हैं, उनकी जो पिछली साइट है ना वो हमारे हम दरमियान में बैठे हुए हैं ना, तो वही नज़र आती है। जो उनके दरवाजे वगैरह हैं ना वो आगे वाली साइट पे हैं, और जो ये साथ वाला कमरा नज़र आता है आपको लोगों को, ये मेरी सासू माँ का है। वो अब उनका दरवाज़ा ना हमारे जैसे हमारे कमरे का दरवाज़ा सामने बना हुआ है, तो उसका भी ऐसे बना हुआ है, तो वो ऐसे नज़र आता है साथ में, तो वो हमारा नहीं है, वो मेरी सासू माँ का है। और मेरे ससुर जी भी बाहर बैठे होते हैं, और जो हमारा एक नलका है, और सिहन में हमारे दो दरख्त लगे हुए हैं, एक मेरी सासू माँ का है, वो मेरे जो ससुर जी हैं वो भी उधर भी बैठ जाते हैं, उधर भी बैठ जाते हैं, वो नज़दीक दोनों दरख्त इकट्ठे लगे हुए हैं। तो एक शरी का है, जो वो फातिमा ना उसमें झाड़ू दे रही थी, वो सारे उसके फूल ना काफ़ी सारे गिरे हुए थे, रात को काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी। और ऐसे ही हमारा जैसे सिहन आ जाता है, फिर सामने हमारा किचन आ जाता है, और किचन के साथ ही हमारा कमरा है वो किचन वाला, और ये हमारा एक कमरा है जिसमें सारा ये देखें सामान पड़ा हुआ है और जिसमें हम रहते हैं। तो ये हमारा पूरा घर है जिसको जो आप लोगों को मैंने दिखाया, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप लोगों ने भी कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आप सब पहले भी पूछ रहे थे ना, आपने अपना पूरे घर का विजिट नहीं कराया, तो इसलिए मैंने आज सोचा चलो मैं आपने जितने मेरे प्यारे बहन भाई हैं ना वो कह रहे हैं उनको मैं अपने पूरे घर का विजिट करवा देती हूँ। ये हमारा घर है, और सिहन भी, किचन भी, नलका भी, और सब कुछ जो दरख्त वगैरह थे सब मैंने आप लोगों से शेयर किए। तो वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जाने खुश और आबाद रहें, अपनी फैमिली में हंसते और मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।